अगर यहाँ कुछ गलत हो रहा था तो आप लोगों को रिपोर्ट बनाना चाहिए था और रिपोर्ट बना के अपने सीनियर को सबमिट कीजिए। किंतु आप लोगों ने क्या किया, अपने ही महिलाओं को भड़काया और एक सरकारी ऑफिसर को बिना सबूत आरोपी बनाने की कोशिश की। आप लोगों के इन क्रियाकलापों को देखते हुए हमने तय किया है कि कल सवेरे तक आप सभी लोगों का इस्तीफा हमारे टेबल पर आ जाना चाहिए। देखिए डीएसपी सर, प्लीज सर, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए सर। सर मेरा नहीं तो कम से कम मेरे छोटे छोटे बच्चों का तो सोचिए। छोटे छोटे बच्चे, कैसी बात कर रही हैं हसीना मलिक, आपकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, छोटे बच्चे कहाँ से आ जाएंगे? सर होगी भी नहीं सर, अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो फिर मेरी शादी नहीं होगी ना सर, ऐसी बिना काम की लड़की से कोई कैसे शादी करेगा? प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर, आप भी माफ कर दीजिए प्लीज, हम आपको भी सॉरी बोल रहे हैं। आपके चेहरे से समझ में नहीं आ रहा है कि आपने माफ किया है या नहीं। एक काम करते हैं, कल जो है ये जितनी भी मार्केट की महिलाएं, इन्होंने अपने मार्केट में एक बहुत छोटा सा कार्यक्रम रखा है, आप उस कार्यक्रम में आ जाइए तो हम समझ जाएंगे कि आपने हमें माफ कर दिया है। आप आएंगे ना? हाँ आप आएंगे तो हम मान जाएंगे सर। आप हाँ आएंगे ना, मुंडी हिला के प्लीज बोल देंगे तो अच्छा होगा। ओके सर, बहुत अच्छा लगा सर, कल मिलते हैं फिर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय जय सर, जय। चलिए चलो चलिए। हसीना मैडम का पूरा छवि तुम चौपट करके आई हो, पूरा शहर जानता है कि मैडम सर आज तक किसी भी अपराधी के सामने नहीं झुकी हैं, और तुम इतना आसानी से उस भ्रष्टाचारी के सामने माफी मांग के आ गई किसके कहने पर? हाँ पूरा थाने का छवि तुमने ऐसे चौपट करके रख दिया है। सुन रही हो तो उर्मिला महादेव मात्रे, तुमसे बात कर रहे हैं हम। हाँ हाँ सुन रही है मैं, और वो उर्मिला महादेव मात्रे होता है पूरा बोलने का, इतना लोड लेगी ना तो मातारी से जल्दी जुर्रे आ जाएगी तेरे मुंह पे। और ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके बारे में हमें ही नहीं पता, ऐसा क्या प्रोग्राम बना लिया आपने कि सीधा वो कॉर्पोरेशन कमिश्नर को आपने एज चीफ गेस्ट बुला लिया? मुझे अगर पहले बोलते दो दिन पहले तो एटलीस्ट मैं कपड़े डिसाइड कर लेती अपने। अरे मेरे चुन्नी की दुकान, चिल बेब चिल, मैं इस दुनिया में बिना मतलब के नहीं आई, मैं वो कॉर्पोरेशन के अधिकारी को ऐसे कैसे बुला लेगी? तुम लोग पहले मेरी पूरी बात सुना करो। ये क्या है, साड़ी लग रही है? हाँ नववारी साड़ी, आमची मुंबई की आन बान और शान, अब तुम्हारे लखनऊ में दिखेगा मुंबई का रंग। यही अपना तरीका है उस टकले और मुच्छड़ को पकड़ने का। एक मिनट उर्मिला, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम समझाओगी अच्छे से? हाँ बताती है। अब लखनऊ में होगा मुंबई फूड फेस्टिवल। मुंबई फूड फेस्टिवल? हाँ तुम लोग ने ना बहुत सारे केस सॉल्व किए, ये पहला केस है जो तुम लोग हंसते गाते खेलते खिलाते खाते पीते मस्त होके सॉल्व करोगे। कैसे? वो सब मैं बताती है, लेकिन उससे पहले मेरे को करना है एक बहुत जरूरी काम। मैं बस आई। चालू रखिए, फेस्टिवल चालू रखिए, खाते रहिए, अच्छे से। समझ ही नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है आपके दिमाग में, चल क्या रहा है? हमें मालूम है इसके दिमाग में क्या चल रहा है।
क्या बात है करिश्मा सिंह, आप तो हमारे दिल की बात बिना बोले समझने लग गए। देखा देखा देखा, अभी क्या है ना, इतना प्रैक्टिस कर लिया ना मैंने कि मैं ऐसा नेचुरली एकदम हसीना मलिक के माफिक बात करती है। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि मैं मुंबई जाकर ना बड़ा पाव भी ऐसे ही बेचेगी। तजुर्बा कहता है हमारा, इधर का बड़ा पाव खा के तुम्हारा जश्न बहारा हो जाएगा। बताओगी कि हम जाएं? अरे थाम 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 थाम, इधर इधर किधर बताऊं मैं, कोपरा चला की? अरे कोने में कोने बीने में चलो रे मेरे साथ, आओ बताते सुनो। ओके समझ में आ गया? हाँ। तो मुंडी मत हिलाओ, मुंह से बोलो हाँ। हाँ। ए, धीरे बोलना, समझ में आ गया ना सबको? तो क्या इधर कुआं है क्या? चलो चलो चलो। भाई साहब सुनिए, जब हम आपसे मुंबई का स्पेशल शरबत मांग लेंगे ना, तो मिर्ची का मस्त वाला शरबत बना के दे देना हमको, समझ गए? ओके। के हिसाब से सारी तैयारियां कर ली? हाँ। इतना जोर से क्या बोल रही है? मुंडी भी तो हिला सकती खाली। हेलो ए चिकने सुनना, अब उन लोग को लेके आ फटफट, आ जा। हाँ। एक बात बता दूं, उसका नाम चिकना नहीं, उसका नाम चीता चतुर्वेदी है। जलस लगा कुछ चल रहा है क्या? नहीं नहीं ऐसा है तो मेरे को बता दे, मैं बीच में से हट जाएगी और तुम लोग की मस्त वाली सेटिंग करा के देंगे। नहीं नहीं मैं और चीता तो मैं पटा लूं। हाँ ठीक है चल काम कर ले। हाँ चलो चलो काम करते काम करते काम करते, चलो चलो चलो। आप ना बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं सर, हसीना जी का वो निमंत्रण स्वीकार करके। सुबह से बाएं हाथ फड़क नहीं रहा, फड़फड़ा रहा है सर। अरे मैडम, सर के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं आप लोग, मुख्य अतिथि। इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करवाइए किसके लिए? आपके लिए ना। लगता है ना कि मैडम सर ना अपने किए पर बड़ा शर्मिंदा है, है ना सर? है ना? तो सबके सामने एकदम सार्वजनिक रूप से ना आपसे माफी मांगना चाहती हो। सर हम आपको ना एक बात का गारंटी दे सकते हैं, यकीन दिलवा सकते हैं कि ये कार्यक्रम आपके जिंदगी का इतना बेहतरीन कार्यक्रम होगा ना कि पूरा जिंदगी नहीं भूल पाइएगा। चलिए ना सर। चलिए। सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ आमद सभी अतिथियों का हम तहे हृदय से इस्तकबाल करते हैं और इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सिंह साहब जी। वो देखिए आ गए आ गए। और उनके साथ तशरीफ ला रहे हैं कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के बहुत बड़े अधिकारी जनाब श्रीधर शुक्ला जी। टकलिया तालियां तालियां जोर से बजाइए तालियां जी। थैंक यू। साथ ही आ गए हैं हमारे डीएसपी सर। आई 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 अरे हम सब जानते हैं पर आप इतना भी नहीं जानती कि बिल्लू को हमें लाने के लिए भेज दिया आपने। इंसल्ट। सर माफ कीजिए, हम सब यहाँ बिजी थे और वही फुकट फ्री था तो इसलिए हमने भेज दिया। सर सर जी, आप लोगों के सम्मान में ना हम लोग मुंबई व्यंजन मेला का आयोजन किए हैं और एक बात का गारंटी हम आपको दे सकते हैं, एक बार ही खाना आप टेस्ट कर लिए ना सर, पूरा जिंदगी इसका स्वाद नहीं भूल पाइएगा। आइए सर आइए, हम आपको खिलाएंगे पानी पूरी, यहाँ पर उसे गोलगप्पे के नाम से जाना जाता है। प्लेट लीजिए सर, प्लेट लीजिए। सर पाव भाजी के साथ लस्सी कैसी लगी? ये ऑड कॉम्बिनेशन है। हाँ, हाँ। पाव भाजी के बाद तो ए? ए? ए?
कोल्ड ड्रिंक सर, कोल्ड ड्रिंक। अरे भाइयों, हम जरा एक फोन करके आते हैं। हाँ कीजिए। हाँ हाँ हाँ, इत्मीनान से। अरे भाई, शौचालय किधर है? यहाँ नहीं है। नहीं है? छोरा शहर में ढिंढोरा कहां नहीं खोजा। सुनिए सुनिए सुनिए, उम्मीद करते हैं कि आपको इस फूड फेस्टिवल में बहुत मजा आ रहा होगा। अब हम हमारे मुआज़िस चीफ गेस्ट कमिश्नर सिंह साहब जी से दरख्वास्त करते हैं कि वो स्टेज पर आएं और दो शब्द कहें। और हाँ, हम दरख्वास्त करते हैं हमारे डीएसपी सर से भी कि वो भी अपनी तशरीफ यहाँ स्टेज की तरफ ले आए। हमारे हमारे मुख्य अतिथि जी बाढ़ के बारे में कुछ बताएंगे, बताइए सर। अरे आइए सर, लोग इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार भाइयों और बहनों, अब हम बाढ़ के बारे में क्या कहें आपसे। बाढ़ जो है कहीं भी आ सकती है, किसी को भी अपने लपेटे में ले सकती है। और हम आपको अपने निजी अनुभव से बता सकते हैं कि बाढ़ जब आती है ना तो हर बांध को तोड़ डालती है। और अब हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये जो बाढ़ है ना वो खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है और किसी भी समय यहाँ पर एक बहुत बड़ी सुनामी आ सकती है। फिर हमें मत बोलिएगा कि हमने आप लोगों को चेताया नहीं था। मैडम जी, हमको शौचालय जाने हैं, जाने दीजिए। आप समझ रहे हैं ना? नहीं सर, अब समझ में आपको आ रहे कि क्या तकलीफ होती है। जो तकलीफ अभी आपको महसूस हो रही है वो यहाँ की औरतों को हर रोज महसूस होती है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना गंभीर और जानलेवा प्रॉब्लम है। सर, जब नेचर ने, कुदरत ने हमें कोई भेदभाव नहीं किया मर्द और औरत में, तो फिर आप कौन होते हैं वो भेदभाव करने वाले? क्यों ये छोटी सोच है अभी तक कि अगर मर्द को कोई प्रॉब्लम हो तो हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वही प्रॉब्लम औरत को हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, सब चलता है। अब भी वक्त है सर, समझ जाइए और जो काम आपने अधूरा छोड़ा है उसे पूरा कर दीजिए। वरना ऐसा ना हो कि एक दिन इस शहर की सारी औरतें ये तय करें आपके घर पहुंच जाएं और आपके घर के शौचालय को महिला सार्वजनिक शौचालय बना दें। रोकेंगे रोकेंगे मैडम, पर फिलहाल हमको इसका कुछ करने दीजिए जो हमसे रोका नहीं जा रहा है। मैडम, हमको शौचालय जाने दीजिए। मैडम बिल्लू जी, इन्हें लेकर तकलिया हो जाए। हाँ, माँ मेरा बिक कब आएगा। आइए आइए सर, आइए आइए सर, आइए, आराम से बांध हो जाएगा। ए हटो बाबा। सर, नाउ यू रिलैक्स। यस, ओके। मैडम, हम कुछ बोलना चाहते हैं। प्लीज श्रीधर बाबू, बचपन में हमारी अम्मा हमसे एक बात कहा करती थी कि वो बात आज हमारी समझ में आ रही है। दर्द वही है जो अंग से निकले और बात वही है जो मन से निकले। आज जब हम इस समस्या का शिकार हुए तब जाकर हमें आभास हुआ कि हम इस गंभीर समस्या को कितने हल्के में ले रहे थे। जब हम पर आए तो हम तिलमिला उठे थे और आज महिला मार्केट में हमारी जो हजारों माताएं और बहनें रोज इस समस्या का शिकार होती है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस बात का आभास हो गया है हमें। मैं धन्यवाद करता हूं महिला थाने की सभी अधिकारियों का। शायद यही एक तरीका था हमारे जैसे स्वार्थी और लालची ऑफिसर्स की आंख खोलने का।
हम आप लोगों को वचन देते हैं कि आज से ही महिला मार्केट में महिला शौचालय का निर्माण शुरू करवा दिया जाएगा। और साथ में हम आप लोगों को एक और वचन देते हैं, इस महिला शौचालय के अलावा भी शहर में और जितने भी महिला शौचालय हैं जो भ्रष्टाचार की वजह से बंद कर दिए गए हैं या जिनका काम अधूरा पड़ा हुआ है, हम उन शौचालयों का काम भी आज से ही शुरू करवा देंगे। हसीना जी, हम भी बहुत शर्मिंदा हैं और आपसे तहे दिल से माफी मांगते हैं, और साथ ही आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद किसी भी सरकारी फाइल से कोई भी शौचालय कभी चोरी नहीं होगा। धन्यवाद, धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। मैडम सर, हम सब महिलाओं की तरफ से आप पूरी महिला पुलिस की टीम को सैल्यूट। वही अंदाज, वही एहसास। कौन कहेगा कि तुम हसीना मलिक नहीं हो? अगर हसीना जी होती तो ऐसी स्थिति में वो भी यही करती जो तुमने किया। अरे देवा, डरा दे रहे मेरे को। अरे मेरे चिक्कू, मैं क्या कोई भी स्थिति में होएगा तो ऐसा ही करेगा। खुद की जान बचाने के लिए जान लेनी पड़ती है। सच की यही तो विशेषता है, छूट के चाहे कितने भी पक्के रंग चढ़ा लो, आखिरकार सब धुंधले पड़ जाते हैं। सच्चाई का रंग आंखों से बोलने लगता है, जो इस वक्त हम तुम्हारी आंखों में देख सकते हैं। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अरे देवा, मैं तेरे को एक ही बार कितनी बार बताऊं, मैं तेरी हसीना मलिक हो सकती है। हसीना मलिक शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगी। अब आप अपनी असलियत हमसे नहीं छिपा सकती। अच्छा अभी सुन, तू अच्छा आदमी लगता है मेरे को, इसके लिए तेरे को मैं बताती है। मेरे को मालूम है कि तू इधर आया है मेरे साथ बैठ के पीने को, लेकिन मेरे को अंग्रेजी वंग्रेजी नहीं जमती है। मैं तेरी हसीन दिलरुबा से ज्यादा सुंदर है, ज्यादा चटक है। जा मस्त नारंगी लेके आ, दो घूंट पिया और सीधा चंदा मामा। जा लेकर आ, मैं तब तक टीवी देख रही। पीने वाले के लिए क्या देसी क्या विदेशी, मतलब है शुरू से। दो पैक पीने से क्या पता चलता है कि क्या पी रहे हैं। वैसे आज हम भी तुम्हारा साथ देंगे। अगर सच में तुम उर्मिला मात्रे हो तो इनकार तो कर ही नहीं सकती, हमारा साथ जरूर दोगी। देख, मैं तेरे को जितना प्यार से बता सकती है मैं तेरे को बताती। मैं हसीना मलिक नहीं है और मैं ये अंग्रेजी पिंग्रेजी नहीं पीती, मैं खाली नारंगी पीती। तुम ये शराब इसलिए नहीं पी रही हो क्योंकि तुम उर्मिला मात्रे हो, और उर्मिला मात्रे विदेशी शराब नहीं पीती, नहीं, बल्कि तुम ये शराब इसलिए नहीं पी रही हो क्योंकि तुम ही हसीना मलिक हो। क्योंकि हसीना मलिक ने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में एक शराब की बूंद तक नहीं पी है। दुनिया के सामने शराब पीने का नाटक करना और बात है, लेकिन अपनी मयार से गिर जाना इतना आसान नहीं है। उठाओ ग्लास और साबित करो
साबित करो कि तुम ही उर्मिला मात्रे हो और हसीना मलिक नहीं हो। सॉरी अनुभव, शायद ये सही वक्त नहीं है तुम्हें सच्चाई बताने का। जब तक तुम इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते, हमें ये नाटक जारी रखना होगा। स्वीकार कर लो कि तुम ही हसी। अरे मेरा हाथ घर पे लेके जाएगा क्या? पर खाली हाथ काहे के लिए लेके जाता है रे? मैं तो पूरी तरह साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तू खाली आवाज तो कर। लेकिन मैं हसीना मलिक नहीं, अभी दिखाती तेरे को। रुक। कैसे पीते रहे तुम लोग ये अंग्रेजी? तुम ही हसीना मलिक हो। ये स्पर्श, ऐसा एहसास किसी और में हो ही नहीं सकता। ये तुम लखनऊ के लोगों को डायलॉग मारना बहुत पसंद है ना? अरे मारने का है तो थोड़ा अपनी पर्सनालिटी देख के डायलॉग मारने का ना। और सुन सफेद घोड़े, मेरे जैसी चटक आइटम किसी को भी हाथ लगाएगी ना तो उसके स्पर्श से उसको 440 वोल्ट का झटका लगना ही लगना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हसीना मलिक है। बहुत हो गया नाटक, बहुत हो गया। अब इसी क्षण स्वीकार करो कि तुम ही हसीना मलिक हो, वरना इसी क्षण हम तुम्हें शूट कर देंगे। बताओ सत्य क्या है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.